हेलो फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर अपन स्टार्ट करते हैं। एसआर कंटवा का बचा हुआ पार्ट 69th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डू यू कंसीडर मोस्ट क्रेडिबल फॉर नॉन प्रोग्रेसिव रिमोट विलेज सिचुएशन। नीचे में से फोर सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन में कौन सा ऐसा है जिसे तुम नॉन प्रोग्रेसिव रिमोट विलेजर सिचुएशन समझते हो? रेडियो, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रिंट मीडिया, एग्जीबिशन। चलो देख ले कौन सा है। 69A रेडियो, रेडियो को समझ सकते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर IRD प्रोग्राम इज। IRD प्रोग्राम के अंदर में कौन सी बेसिक यूनिट है डेवलपमेंट की, देख लेते हैं। 70 का आंसर है सी, फैमिली। मुझे लग रहा था फैमिली होना चाहिए, फिर भी चलो। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बहुत अच्छे से याद करवाया है, 2 अक्टूबर 1953। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में आई थी, पंतनगर अपना ऑप्शन यहाँ पे है। फिर 73, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग नीचे में से लिखे गए इसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है। विच इज़ द थ्री टायर सिस्टम ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्री टायर सिस्टम तो अपना वो है ना, पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत, विलेज स्कूल, विलेज कोऑपरेटिव, नहीं यार ए होना चाहिए। 73 का ए है, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट क्या है? सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ठीक है। 74A हो गया। अब 75 देखते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन इज। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? डिसिप्लिन है, प्रोफेशन है, डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन बोथ है। देखो बोथ आना चाहिए। 75 का सी, ठीक है। 76, विच वन इज नॉट द मोड ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट? लेक्चर, इंटरव्यू, स्ट्रेट टॉक्स और सॉन्ग्स। स्ट्रेट टॉक्स लेक्चर्स, लेक्चर नहीं है शायद अभी तक के। 76D सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ सोशल इंट्रैक्शन? सोशल इंट्रैक्शन का फॉर्म नहीं है। कॉम्पिटिशन, ठीक है। कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन भी है। कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष होता है। देखो कन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन दो में से मुझे कन्फ्यूजन है। 77 का सी है। कोऑर्डिनेशन, नॉट द फॉर्म ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। कोऑर्डिनेशन पता नहीं इसने बोला तो होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट मैच्ड? कम्युनिकेशन बर्लो ने दिया था, रूरल वीकर्स, स्मॉल फार्मर्स ने दिए थे, मास मीडिया, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, ये गलत है। बाकी देख लो, 78 का है सी। चलो एक चीज़ पता होने से भी कई बार आंसर सही हो जाता है। 78 हो गया। 79, विच इन केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन द ओवर्ट बिहेवियर मीनिंग। ओवर्ट बिहेवियर का मतलब क्या है डिफ्यूजन के केस में? इनोवेशन, चलो देखो। अडॉप्शन एंड रिजेक्शन, रिमेंबरिंग और फॉरगेटिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग, मेंटल वेइंग और फील्ड ट्रायल। 79A अडॉप्शन और रिजेक्शन ओवर्ट बिहेवियर कहलाता है, ठीक है। फिर आ गया 79 तो हो गया था 80। विच इज़ द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन रामलीला। 80 पहले तो यही ऐसे ही किया जाता था ना, डी सही है। फिर जनरल मीनिंग, जनरल मीटिंग्स आर ब्रॉडली द मीनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ। जनरल मीटिंग, हेट्रोजीनियस पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
हाँ ठीक है, क्योंकि जनरल मीटिंग में तो इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता, क्योंकि उसमें बस बताया जाता है ना कि हाँ इस चीज़ के लिए है, जितने भी लोग हैं सबको बुला लिया जाता है, तो हेट्रोजीनियस पार्टिसिपेशन होगा 81 का। 82 देखते हैं अब। कैंपियन इज एन इंटेंसिव एक्सटेंसिव इन्वेजिव टीचिंग, पता है क्या यार? ठीक है देखो, कैंपियन क्या है? 82 का आंसर है ए, इंटेंसिव टीचिंग मेथड है, इंटेंसिव टीचिंग है कैंपियन। ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग इज प्रोड्यूसर ऑफ, प्रोग्राम प्लानिंग किस चीज़ की प्रोड्यूसर है? वर्किंग बाय द पीपल, वर्किंग फॉर द पीपल, वर्किंग विद द पीपल, ये होना चाहिए ना। 83 का आंसर है सी, वर्किंग विद द पीपल। ओके, अ सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स ऑन वन रोल, एक रोल पे स्टिल पिक्चर्स की सीरीज क्या कहलाती है? फिल्म स्ट्रिप कहलाएगी क्या? चैनल, मॉकअप, ब्लैक बोर्ड, ये तो पढ़ा ही नहीं है। देखते हैं 84 का क्या आंसर है, बी, ठीक है फिल्म स्ट्रिप कहला रही है। फिर अ बुलेटिन शुड कंटेन, बुलेटिन में कितने पेजेस होने चाहिए? 85 सी, 24 to 48 पेजेस होने चाहिए। ब्लैंक इज़ अ यूनिट और टू और मोर पीपल इन रेसिप्रोकल, दो से ज़्यादा तो ग्रुप में होते हैं। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन विद ईच अदर, देखो 86 का आंसर बी है, ठीक है ग्रुप। इन इंडिया स्लाइटली लेस देन हाफ द विलेजर आर इनहेबिटेड बाय ब्लैंक पर्सन, इंडिया में इससे कम हाफ द विलेजर्स आर इनहेबिटेड बाय, 87 का आंसर है 500। अबाउट 3/4 इंडियन विलेजर्स हैव अ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1000, 88 डी, 1000 से कम पॉपुलेशन है। 3/4 मतलब 75% इंडियन विलेजेस में 100,000 से कम पॉपुलेशन है। NERP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, देखो 89 का है ए, NERP इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। 1977, अब देखते हैं 90 क्वेश्चन। द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फिरका डेवलपमेंट, फिरका अपन ने प्रकाशन याद किया था, अडॉप्टेड स्कीम मद्रास स्टेट वाज लॉन्च इन, किस ईयर में लॉन्च हुआ था ये अपन ने याद नहीं किया था, तो देख लेते हैं। 90 का आंसर है बी, 1946 में फिरका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट केवी के पुडुचेरी, ठीक है 1974, रिलेटेड विद, देखो पुडुचेरी है साउथ है तो इसीलिए TNAU कोयम्बटूर से रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं अपन 91 का आंसर क्या है, 91 का है बी, है क्या कोयम्बटूर? हाँ सही है, पुडुचेरी है, कोयम्बटूर से एसोसिएटेड है। द विलेज पंचायत एक्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन, विलेज पंचायत एक्ट कब आया था? 92 का ए है, 1958 में आया था विलेज पंचायत एक्ट। लैब टू लैंड प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय आईसीएआर ने लॉन्च किया था एज अ पार्ट ऑफ इट्स जूबली, कौन सी जूबली सेलिब्रेशन? देखो जो 50 ईयर का होता है, 25 ईयर का जो होता है वो सिल्वर जूबली कहलाता है, 25 ईयर का सिल्वर कहलाता है, तो ये तो नहीं होगा। 1929 में स्टार्ट हुआ था आईसीआर, उस हिसाब से 1959, तो ये 50 ईयर्स हो गए ना, ये हो जाएगा गोल्डन जुबली। देखो 1993 का है सी, गोल्डन जुबली। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज हेडेड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन, रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल अर्बन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि राधा कृष्णन ने हेड किया था, उनने क्या क्या इस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था, देख लेते हैं। 94 बी आंसर है, रूरल एरियाज़ में यूनिवर्सिटी डेवलप करने के लिए कहा था उनने। द रूरल सिस्टम रिसर्च आइडिया वॉज मोटिवेटेड बाय MS स्वामीनाथन, रूरल सिस्टम रिसर्च आइडियाज MS स्वामीनाथन ने मोटिवेट किया था, कब किया था? 1995 का है बी, 1988 में किया था।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन इन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया था? 1950 में किया था। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, याद कीजिए, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, थैंक यू।